नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और आज मैंने अपना सीड्स का पिटारा खोल दिया है क्योंकि बिल्कुल राइट टाइम हो चुका है सीड्स लगाने के लिए। सितंबर के स्टार्टिंग से ही है ना, सीड्स लगाना शुरू कर देते हैं हम सर्दियों की वेजिटेबल्स के लिए। और कुछ को आप अगस्त में भी लगा सकते हैं, अच्छी बारिशें चल रही होती हैं तो टमाटर वगैरह जैसे होते हैं तो ये सही समय होता है। हालांकि मौसम बहुत ही परिवर्तित रूप में है, बिल्कुल जून की गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ, बहुत ह्यूमिडिटी है, बारिश के नामो निशान नहीं है। मौसम तो रोज़ हो जाता है पर नहीं आ रही है, तो चेंज तो है वेदर हर बार के सितंबर से, पर फिर भी यही टाइम है सर्दियों की सब्जियाँ लगाने का। तो मैंने भी अपने सीड्स निकाल लिए हैं कुछ, गर्मी बहुत हो रही है, हालांकि काम करने का मन नहीं होता ऊपर भी। और ये देखो पालक और जो धनिया है, बारिश जाते ही उसका भी टाइम हो जाता है लगाने का सॉरी। और तरह तरह की बीन्स निकल आती हैं, फावा बीन है, फ्रेंच बीन है, लॉन्ग बीन भी लगा सकते हैं अभी भी, सेम फली भी लगा देती हूँ मैं इस सीज़न में अगर लगाती हूँ तो। मेथी अभी हम लोग नहीं लगाएंगे, गोभी भी लगाने का सीज़न आ गया है। तीनों तरह की गोभी, नॉर्मल जो बुआई होती है गोभी की वो अब कर सकते हैं हम लोग। तीनों तरह की गोभी से मेरा मतलब फूल गोभी, पत्ता गोभी और है ना ब्रोकली, तीनों लगा सकते हैं अभी। उसके अलावा अभी देखो कुछ सब्जियां जो और लग जाएंगी वो है रेडिश, मूली हर तरह की अभी लग जाती है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है मूली तो 35-40 दिन में ही। गाजर हम लोग नहीं लगाएंगे अभी, मटर नहीं लगाएंगे, उनका अभी टाइम नहीं है, इतनी तेज़ गर्मी में फिर वो बहुत अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये सारी वेजिटेबल्स जो सर्दियों की हैं, इसके अलावा कैप्सिकम हम लगा लेंगे, टमाटर तो खैर लगाने ही हम, और है ना मिर्ची भी अगर आप लगाना चाहें तो हरी मिर्च कभी भी लगा सकते हैं, 12 महीने में ऐसा कुछ नहीं है। टमाटर भी जैसे कभी भी लगा लेते हैं, बहुत तेज़ गर्मी में बस नहीं होते। और ये मेरे पौध उगाने के लिए 2 या 3 इंच वाले जो पॉट्स होते हैं, ज़्यादातर पौधों में ही आते हैं, ये वहीं से इकट्ठे हुए हैं मेरे पास इतने सारे, नर्सरी से हम लोग प्लांट्स वगैरह लाते हैं। तो इसमें मैं है ना कोकोपीट, आधी कोकोपीट और आधी वर्मी कंपोस्ट भर के और थोड़ा सा है ना फंजीसाइड डाल के ट्राइकोडर्मा बस तैयार कर लेती हूँ। देखो ये पिछले वाले किसी पौधे की सी जड़ें हैं, रूट्स कितनी अच्छी बनी हुई हैं इसमें। तो जिनकी हम लोगों को पौध तैयार करनी है वो है ना मैं आपको सीड्स बताऊँ, तो गोभी है जैसे तीनों तरह की, तो इसकी हम लोग पौध तैयार करते हैं। पौध से मेरा मतलब है हम लोग सीधे है ना लगाने वाले प्लेस पे नहीं लगाते हैं, हम लोग पहले थोड़ी सी इसकी पौधों को तैयार कर लेते हैं सीड डाल के। तो तीनों तरह की गोभी हैं, टमाटर की पौध तैयार करनी पड़ती है, हरी मिर्च कैप्सिकम वगैरह की हम लोग पौध तैयार कर लेते हैं। और कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जो जहाँ पर आपको लगानी होती है वहीं की पूरी मिट्टी अच्छे से तैयार करके उनको बोया जाता है, जैसे कि मैं ना सारी बीन्स हैं वो उसी तरह से बोती हूँ, पौध तैयार नहीं करती। पौध भी तैयार कर सकते हो बीन्स की आप, पर डायरेक्ट भी बो सकते हो। तो बीन्स को है ना डायरेक्ट बो लेती हूँ मैं, मूली है, गाजर है, इनको सबको डायरेक्ट बोते हैं। ज़्यादा निकल आते हैं तो हम लोग थिनिंग कर देते हैं फिर पौधों की, पर बो इनको डायरेक्ट सकते हैं हम, बुआई इनकी डायरेक्ट कर सकते हैं। गाजर, मूली, मटर ये सब डायरेक्ट बोए जाते हैं। और गोभी, तीनों तरह की मिर्चियाँ, टमाटर, इन सब की पौध तैयार करेंगे हम। बीन्स भी मैं तो डायरेक्ट लगा देती हूँ, इसमें देखो मूली लगाने वाली हूँ मैं, गमले भी तैयार करने लगी हूँ मैं। भिंडियाँ मैंने सारी हटवा दी हैं अब, तो इसमें आना अच्छी होती हैं काफ़ी भी रेडिश जो है मूली बहुत अच्छी होती हैं, तो ये लगा दूँगी मैं। सीड्स डालूँगी तब भी मैं दिखाऊँगी, हालाँकि बहुत तेज़ गर्मी हो रही है तो मुझे ये भी लग रहा है कि मैं गोभी और है ना टमाटर की पौध हमारी नर्सरी में मिल जाती है। ये देखो मैंने बीन्स यहीं पे लगाई हुई है डायरेक्ट है ना जो प्लेस पे ही, तो पौध भी ला सकती हूँ मैं नर्सरी से गोभी की और टमाटर की, मिर्ची की, कैप्सिकम की, इन सब चीज़ों की बड़ी अच्छी सी पौध मिल जाती है नर्सरी पर, तो वो भी मैं एक ऑप्शन रखूँगी अपना अगर नहीं चल पाए तो। यहाँ पर भी देखो 2 बीन्स के पेड़ लगे हुए हैं मेरे, उन्हीं से पूरा काम चल रहा है अभी। और मौसम बहुत अजीब सा हो गया है इसलिए थोड़ी सी है ना फ्लावर्स को दिक्कत आ रही है फल बनने में। तो ये तो रहा हमारी बुआई का कार्यक्रम सर्दियों में जो हम लोग करने वाले हैं, सब्जियां लगाने वाले हैं। और अभी सिर्फ शुरुआत है सीज़न की, अभी लगा सकते हैं हम आराम से।
क्योंकि फरवरी तक हम लोग सर्दी की सब्जियां मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मार्च तक भी ले लेती हूँ मैं तो है ना, दिसंबर तक भी हम बुआई कर सकते हैं हम। और कुछ लौकी जो है वो बनी जा रही है, थोड़ी और तोड़ लूँगी मैं, ये देखो ये तैयार हो गई है एक, और अब फल मक्खी दिखने लगी है मुझे एक आध, तो मैं ना इसको जल्दी ही ले लूँगी इससे पहले कि है ना, हालांकि इतनी बड़ी मैं डंक नहीं मारती है, वो छोटी होती हैं जब भी मारती हैं। धूप इतनी तेज़ पड़ने लगी है कि रोज़ पानी देने का फिर से है ना टाइम आ गया है। ये भी देखो एक बढ़ गई है, तो जितनी भी मिल गई है इन बेलों से सब्ज़ी उतना ले लेते हैं। फिर मुझे हटानी ही है इनको, क्योंकि गोभी के लिए मैं ये बड़े वाले ग्रो बैग फिर तैयार करवाऊंगी। इतने दिन से मैंने जो पत्तों का कचरा और टहनियों का कचरा इसमें डाला हुआ है उसको नीचे डलवा के खाली करवा के इनको, और ना वापस ऊपर से मिट्टी तैयार कर दूंगी। 2 साल पहले भी मैंने खुद ने इसे ही भरे थे ये, और अब दोबारा मैं ना पूरा इतना ढेर सारा कचरा डलवाने के मूड में हूँ। हार्वेस्टिंग भी दिखाती चलूँ, करेले बहुत ही है ना गई गुजरी सी बेले हैं, उनमें से भी लगातार मिल रहे हैं मुझे, हफ्ते में एक बार बनाने के लिए मिल जाते हैं, बहुत है। तो अब थोड़े दिन बाद ये सब साफ हो जाएंगे और सर्दी की वेजिटेबल्स पूरी तरह से है ना जो हैं लग जाएंगी, तो थोड़ा सा सब्जियों में गैप होता है मेरी छत पे, अदरवाइज़ लगातार कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। ये देखो करेले की बेल कैसी है बिल्कुल, और मैं ध्यान भी नहीं देती इनके ऊपर, फिर भी देखो इसमें कितने करेले आते रहते हैं, बहुत 8-10 करेले हफ्ते में मिल जाते हैं, तो एक बार की सब्जी बन जाती है बहुत है। कभी कभी ऐसे भी काम चलाना चाहिए कि आपका काम चलता रहे, बस इतनी लगी हुई है। मोटिव तो हमारा यही होता है कि अपने लिए है ना सब्जियां उतार सकें हम। हल्दी बहुत अच्छी चल रही है मेरी छत पे अभी भी, और नींबू तो बहुत ही भयंकर चल रहे हैं। ये अंधेरे में थोड़ा सा मैं उतार लाई थी, अब मैं आपको दिखाऊं इतने बढ़िया नींबू मिल रहे हैं। तो ये तो बारामासी हैं गोल वाले जो हैं कागजी लेमन, इनका भी पूरा प्लांट भरा हुआ है। नींबू पे मैं वीडियो डालने वाली हूँ एक अच्छा। और ये है लौंग, और जो थोड़े से छोटे आते हैं वो गंदराज वाले हैं। तो किसी ने मुझे कहा था कि ये फिंगर लेमन होता है, पर जहाँ तक मैं जानती हूँ मैंने देखा है फिंगर लेमन इतना मोटा नहीं होता, लंबा तो होता है पर इतना ज़्यादा मोटा नहीं होता। वैसे भी इनका नर्सरी वालों का तो जो मन होता है वो नाम रख देते हैं, ये लॉन्ग सीडलेस लेमन हो सकता है, फिंगर लेमन को भी बोलते हो, तो इस बारे में कोई ख़ास आर्ग्यूमेंट नहीं है मेरा, पर हाँ है बहुत अच्छे नींबू। तो सीड्स लगाएंगे हम लोग सर्दियों के, अब बस